हो गया था क्या आंसर आया? क्वेश्चन क्या दिया था उन्होंने? फाइव लेटर थे और सिक्स लेटर बॉक्स। क्या आंसर आया उसका? हैं? कैसे मुझे दिखाओगे जरा? हाँ तो पहले के लिए क्या बताया आपने? ये कर दिया का आपने? आपका परिचय? पढ़ाया ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमच संचय पढ़ाया है? अच्छा ये बताइए, ये जो लेटर हैं क्या वे अलग अलग हैं या एक ही हैं, एक जैसे ही? कुछ उनमें बताया गया है कि वो उनको कुछ डिफरेंट है या सेम है? पांच लेटर हैं इसका मतलब सेम ही है। और अब से पहले जितनी हमने बात की जिसका फैक्टोरियल लगाया उसमें क्या था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड टेकिंग आर एट ए टाइम्स। अब जब ये डिफरेंट नहीं है तो इसे कैसे लगाओ? एक क्वेश्चन और करा था मैंने कि एक ट्रेन में सिक्स सीट थी
और टू पर्सन उन पर बैठने, तो वो कितनी प्रकार से बैठ सकते हैं? ठीक है, क्लियर। जो दो पर्सन हैं वो डिफरेंट थे, ठीक है। मान लिया फर्स्ट पर्सन चला, उसके सामने छः च्वाइस थी, दूसरा पर्सन चला उस पर 5 च्वाइस आएगी, वो 30 हमारा आ गया। लेकिन यहाँ जो लेटर बॉक्स की बात है, मैंने कहा था कुछ जगह क्वेश्चन आपको इतना परेशान कर देंगे कि वहाँ आपको एक कीवर्ड है च्वाइस, जिसके पास च्वाइस होगी उसको हम कहाँ रखेंगे, प्लेसेस के जगह। तो यहाँ लेटर बॉक्स के सामने च्वाइस है या लेटर के सामने? लेटर के सामने है। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5। पहला लेटर जो है इसके पास कितने बॉक्सों में जाने का रास्ता है? दूसरे लेटर के पास हमने कहा है कि जो अगर एक चला गया तो दूसरा नहीं जा सकता, तो कहा था हमने। तो इस क्या नाम, ये भी किसी सिक्स में जा सकता है, ये भी किसी सिक्स में जा सकता है, ये भी और ये भी। कितने प्रकार, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर ये स्थान भरने वाले तरीकों से अगर आप करोगे तो एरर के चांसेस कम रहेंगे। अगर 4P और ये P वाले में फंसोगे ना तो गलती की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। P में तब फंस जाओ, नहीं फंसने के जब आपको अच्छा सा अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसे देखिए, यहाँ जो लेटर हैं, लेटर के सामने च्वाइस है कि वो कौन से बॉक्स में जाए। पहला लेटर है वो किसी भी 6 बॉक्स में जा सकता है, दूसरे की भी यही कंडीशन है, तीसरे की भी यही है, चौथे की भी यही है। तो कुल मिलाएगा सभी की च्वाइसेस कितनी हो जाएगी, मैं मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे और बढ़ोगे फिर दोबारा और समझ में आ जाएगा आप। क्योंकि ये केस वही बनता है जैसे रिपीटेशन का बनता है ना। रिपीटेशन में क्या होता है, मान लिया मैं कहूँ कि आपके पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं और मैं कह रहा हूँ कि 3 डिजिट्स का एक नंबर बनाना है और रिपीटेशन अलाउ है, यहाँ पर कितनी डिजिट रखी जा सकती है? 5। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, टोटल कितना आ जाएगा? 5 की पावर 3 आ जाएगा। अरे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देन इट कैन बी फिल बाई 5 and 4 and 3, कितना आ जाएगा? 6 और इससे कितना आ रहा? 125, यानी कि रिपीटेशन से नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं, ठीक है। Permutation when all the objects are not listed. ठीक है, हमें उस स्थिति में परमोटेशन निकालना है जब सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है।
एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा इस तरह का, कहीं बताओ पढ़ा है फार्मूला ही तो बता दो ना, समझा तो नहीं था, पढ़ कर भी आए थे कुछ, मैंने होमवर्क दिया था ना ये भी, तो क्या समझ में आया इसमें? मेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही, सिर्फ एक मीटर की दूरी है। क्या नाम बताया था आपने? नीतिका। NITIPA। बताइए इसके बारे में, फार्मूले के बारे में क्या है, पढ़ाया कभी? देखिए ये फार्मूला ये कहता है कि यदि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट एन है, हमने ये नहीं कहा कि वो डिफरेंट है या अलाइक है, अलग अलग हैं या उनमें कुछ समान है, ठीक है, इन एन ऑब्जेक्ट में से पी ऑब्जेक्ट तो सेम काइंड के हैं, क्यू वाले भी सेम काइंड हैं और आर वाले भी सेम काइंड के हैं, तो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, अगर ये सेम काइंड के ना हो करके अलग अलग होते, सारे के सारे अलग होते, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बन जाते, फैक्टोरियल एन। लेकिन उन एन में से पी तो एक तरह के हैं, क्यू एक तरह के हैं, आर एक तरह के हैं, तो इस तरह जो टोटल परम्यूटेशन बनेंगे वो बनेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे जितने भी एल, ठीक है, हाँ जो सेम हो सकते हैं, ये तो है फल, ठीक है, अधिकतर यहीं पे एंड कर देते हैं, आगे सीधा जाते हैं क्वेश्चन पे, कैसे, एक वर्ड है अलाहाबाद, ठीक, इससे बने वाले क्रमचय या परम्यूटेशन की संख्या ज्ञात की, ठीक है, अब तक हमने क्या देखा, टोटल नंबर देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, अगर इनमें कोई लेटर रिपीट ना होता then the number of permutation will be factorial 9, but there are some letters are repeated, कौन कौन से नंबर repeated हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, जो A's हैं कितने हैं, 4, L कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, इसके बाद और कोई repeat हो रहा, और तो कोई नहीं, according to formula नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने आ जाएंगे, 4 factorial और 2 factorial, ठीक है, कहीं भी अगर इस तरह का रिपीटेशन मिलती है तो हम सिंपली बना सकते हैं, क्वेश्चन है मान लिया और कौन सा आर है नहीं ना, और भाई दो ही लेटर तो रिपीट हो रहे, अगर कोई अलाइक लेटर जितने भी हैं, सिंगल वाला नहीं हमें लेना कि एक है, उससे कोई मतलब नहीं हमारा, आर हो जरूरी थोड़ी है, ऐसा भी हो सकता है कोई लेटर ऐसा इसमें मान ला एल बिना रिपीट होता तो फिर अपॉन 4 factorial हो जाता, समझे, इधर ही चीज समझ में आ गई, 12 तक यहाँ तक काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि चलता नहीं, हमें इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, हमें थोड़ा समझना, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं, नहीं अभी मत, अभी तो हमें पता था कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना, लेकिन परमिशन ये थी कि आपको मतलब बैन था कि बाहर खिड़की से बाहर झाँक के नहीं देखे, सीधे दिल्ली पहुँच गए, जब देख लिया हाँ दिल्ली जाना है, फिर हम वापस आ रहे हैं, अब दाएँ बाएँ सब हम झाँकते चलेंगे, पूरा एंजॉय करते, ठीक है, परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है, सपोज करो मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं
A1, A2 और A। तो यहाँ पर समझने कोशिश करना देखो, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि जो पहला मुझे टॉपिक मिला था सेट रिलेशन फंक्शन, उसमें भी हाथ कम चलाना था, दिमाग ज़्यादा चलाना था। ये भी टॉपिक ऐसा है, इसमें लिखने का इतना खास काम नहीं है, लेकिन ब्रेन आपको बहुत ज़्यादा चलाना पड़ेगा। देज आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे इससे? फैक्टोरियल 3 हो गए, क्योंकि 3 डिफरेंट्स हैं। इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे इसके? ए ए हैं तीनों सेम हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल 3। आपने इसलिए बता दिया क्योंकि आपने फार्मूला यूज कर लिया, फार्मूला तो यूज नहीं करना ना, बिना फार्मूले के। बिना फार्मूले कैसे बताया बताओ? आपने फार्मूला वही वस्तु लेनी है जो रिपीट होती है। हाँ तो फार्मूले में तो रखी है ना, अभी जो मैंने फार्मूला बता दिया ना, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू, उसमें तो पुट किया ना आपने। हाँ तो वो वहाँ तो नहीं, हमें पता ही नहीं उस चीज़ का। तो अभी हमें भाई जो हमने मंजिल बताई थी, हमें थोड़ी हमें भी उसका यूज करना है, हम इस पर चर्चा करने की जरूरत क्या रहेगी। देखिए यहाँ पे आइए, इससे कितने परम्यूटेशन बन रहे हैं? सिक्स। चलो देखते हैं कौन से बन रहे हैं। A1 A2 A3 A1 A3 A2 ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन बताओ। A1 A3 A2 A3 A1 A3 A1 A2 A3 A2 बन गए 6 कॉम्बिनेशन। ये वो है 6 अरेंजमेंट, क्लियर है? इसमें भी इसी तरह के अगर 6 बनाए, ये 1 2 3 1 2 3 सब जगह से हटा देंगे, तो 6 के 6 कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएंगे? सेम आ गया ना, यानी कि इससे कितने कॉम्बिनेशन बने? वास्तव में अगर 3 डिजिट 1 हैं और वैसे बनने थे हमारे 6 बने, समझे? यानी कि आप ये मान लो, फॉर्मूले में रखे तो क्या कह रहे हैं? फार्मूले में रख नहीं रहे ना हम इसे, तुम कहाँ होगा फार्मूले में रखे भी तक नहीं आएगा। 3 फैक्टोरियल है, नीचे भी, नीचे भी फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये यहाँ से फैक्टोरियल 3 आया, यहाँ से हमारा 1 आया, ठीक है। ये पॉसिबल कब है? मैं अगर कह रहा हूँ 3 थिंग्स या 3 लेटर LIK, यानी कि 3 समान है, ये तभी तो पॉसिबल है कि फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 3 से मैं डिवाइड कर दूँ, तभी तो 1 आ सकता है, या और कोई तरीका भी है? डिवाइड क्यों किया? यहाँ जो एरर आ रही है मल्टीप्लिकेशन से आ रहा ना उसका, 3 × 2 करके, क्योंकि यहाँ जो एरर आए मल्टीप्लीकेशन से, उस एरर को दूर करेंगे डिवाइड से, इसलिए 3 फैक्टोरियल से हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से अगर हम आगे A1 A2 A3 B1 B2 ये ले ले, ठीक है। अगर ये सारे डिफरेंट है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। इन 3 की वजह से 3 का अरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकता है? फैक्टोरियल 3 तरह से, इन 2 का कैसे हो सकता है?
इन दोनों के अलाइक होने से अगर ये डिफरेंट हो जाते हैं तो इतने और इतना का इफेक्ट पड़ रहा है इस पर मल्टीप्लीकेशन रूल में, क्योंकि रूल कौन सा लगा हुआ है इसमें सारे में परम्यूटेशन में मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है। और अगर ये सेम हो जाएं तो इतने से हम क्या कर देते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। एरर आई मल्टीप्लीकेशन से तो उसको जब एरर को दूर करेंगे तो हम क्या करेंगे डिवाइड। सबसे बड़ा यहाँ क्वेश्चन ये है कि हम डिवाइड क्यों करते हैं एल आई को, तो चीज़ समझ में आ रही, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के कारण ये एरर आई। तो उस क्योंकि देखो अगर कहीं जोड़ने की वजह से एरर है तो क्या करते हैं हम घटाते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन से आ रही तो डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह से इसका ये बन गया। अब जनरली कोई भी ले लो आप, कुछ भी हो सकता है, मान लिया ए ए बी 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 सी सी डी, इस तरह से जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कितने भी ले लो, दो दो का पेयर आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनेंगे, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13 फैक्टोरियल 13 अपॉन ए कितने हैं 2, बी कितने हैं 3, सी कितने हैं 2, डी कितने हैं 2, ई कितने हैं 2, पी कितने हैं 2। अगर मान लिया एक्स वाई जेड सिंगल सिंगल होते, सिंगल से कोई फैक्ट पड़ी ना, सिंगल वाला तो ऑलरेडी इसमें है ही, उस थोड़ी सी डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमारे परम्यूटेशन की नंबर्स को बिगाड़ रहा है वो अलाइक वाले बिगाड़ रहे हैं, और उसे सुधार करने के लिए उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। क्या कह रहा है, टोटल नंबर ये लिखवाऊं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर एन एंड पी ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम काइंड same kind and rest are different then number of permutation are factorial n upon factorial, samjhe। ये समझ में आया, यहीं पे अगर हम लिख दें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर एन एंड पी वन ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड एंड पी टू आर ऑफ सेकंड काइंड पी थ्री आर थर्ड काइंड एंड डैश डैश पी के आर ऑफ के काइंड एंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी फैक्टोरियल एन अपॉन पी वन फैक्टोरियल पी टू फैक्टोरियल समझ में आ गई। वो जो इससे पहले बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था उसका, क्वेश्चन है
क्या नोट करना था? कर लो, बता दिया करो मुझे। मम्मी मेरा कहाँ, एक हाथ में डस्टर है, एक हाथ में चौक रहे मेरे। इस टॉपिक के लिए एटलीस्ट 20 लेक्चर होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री को बोला। क्वेश्चन
चलने यार थोड़ा तीन हजार चौबीस है चौबीस है कुछ और तीन हजार चौबीस हाँ कहाँ चलेगा वहीं चलेगा एल आई पालो में आ गया क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है अभी तो आगे पीछे यहीं घूमते रहोगे तुम तो सोच ले चलो जो फार्मूला बताया शायद उसी से हो जाए कहाँ से लगा दिया तुमने 9 फैक्टोरियल कहाँ से लगाया आपको ये हैं ए से लेकर नौ तक हाँ ठीक है और अपॉन क्या किया आपने तो फिर गलती क्यों हुई फिर तो आंसर सही आना चाहिए आंसर देता हूँ समझ में आ गया हमें आठ लेटर का अरेंजमेंट बनाना है अरेंजमेंट कह लो या नंबर ऑफ परम्यूटेशन में आठ लेटर कौन से हमारे पास जो डॉटर में है ठीक है कंडीशन दो हैं पहली कंडीशन है ऑल वोवल्स ओकर टुगेदर जितने इसमें वोवल्स है वो सारे इकट्ठे होने चाहिए नंबर एक पर तो ये अरेंजमेंट निकालना दूसरे में कह रहा है कि कोई भी वोवल इकट्ठा ना हो सारे अलग अलग जगह दोनों के लिए निकाल
कहाँ तक पहुँच गए? स्टार्टिंग नहीं है अभी भाई, क्या गया? पहले का मेरा आया 6720, दूसरे का 1680। चलो आंसर तो देख लेंगे, बाद में आंसर तो मुझे पता करते हैं। देख हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं पहले तो ये देख। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल लेटर कितने हैं? 8। और जो हमें अरेंजमेंट बनाना वो भी 8 के 8 लेटर से बनाना है। पहली कंडीशन है ऑल वोवेल ओकर टुगेदर, यानी कि जो वोवल्स हैं वो सारे एक जगह इकट्ठे रहे। वोवल्स कौन कौन से हैं इसमें देख लेते हैं। वोवल्स एक तो ए हो गया, U है, और E, तीन बबल्स। आठ प्लेसेस पर रखने हैं जिनमें तीन बबल्स। मान के चलो मैं अपनी तरफ से ही बबल्स को यहाँ रख देता हूँ, ए यू ठीक, बाकी यहाँ जाएंगे इनमें से जो भी, ठीक। अब इनका अरेंजमेंट पूछ रहा कैसे होगा। ये तो उन्होंने एक जगह बांध दिए भैया, ये तीनों जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों कैसे ट्रीट करेंगे जैसे एक सिंगल हो। करेंगे ना ट्रीट ऐसे ही, जब इसने कहा कि सारे वोवल्स एक जगह रहेंगे, या तो सारे यहाँ रहे या सारे यहाँ भी रह सकते हैं, या इन तीन की पोजीशन पर भी रह सकते हैं, या इन तीन की भी किन्हीं भी तीन पोजीशन पर जहाँ भी रहेंगे ये इकट्ठे रहेंगे। तो जब ये तीनों एक जगह इकट्ठे हैं तो दे विल ट्रीट लाइक ए सिंगल लेटर, ठीक। इससे पहले कितने प्लेसेस हैं और एक ही कितना होगा टोटल, तो कैसे ट्रीट करेगा ये जैसे 6 लेटर हो, करेगा नहीं ये बताओ। ये चीज समझ में आ रही? तो 6 लेटर को लेकर के बने जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होते हैं, फैक्टोरियल में आ जाओ, 6 फैक्टोरियल होंगे समझ रहे। एंड ये तीन भी तो आपस में जगह बदल सकते हैं, भाई मैंने लिखा ए यू ई तो ई ए यू भी हो सकता है। तीन के अरेंजमेंट कितने प्रकार से हो सकता है, एंड फैक्टोरियल 3। ये 6 वाला फैक्टोरियल तो बता रहा कि इसकी अलग अलग जगह कहाँ कहाँ होकर अरेंजमेंट बन रहे, प्लस ये इसके इंटरनल बता रहा है। पहले घटना कौन सी घटित हो रही, ये वाली, उसको फॉलो किसके द्वारा किया जा रहा है, इसके साथ, यानी कि दोनों होंगी तो साथ साथ ही
होंगी नहीं, तो इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो ये होंगे, फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3। देखो इस तरह के क्वेश्चन आने वाले, आगे हमें इन्हीं पे वर्क करना है, समझ में आ गया। अब कह रहा ऑल वोवल्स डू नॉट ओकर टूगेदर, ठीक, ये सारे वो हैं जिनमें ये वोवल्स इकट्ठे हैं। टोटल कितने परमुटेशन हैं वैसे इसके, क्या कह रहे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हैं, 8 फैक्टोरियल, ये वो हैं जिनमें वोवल्स इकट्ठे हैं। अगर हम टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ये वो आ जाएंगे ना जिनमें वोवल्स इकट्ठे नहीं है, ठीक है, नोट करना चाहो कर लो अपने हिसाब से, जैसे डायग्राम तो जरूर बना लो इतना सा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई, क्लियर, कैपिटल में लिखो इंडिपेंडेंस, इसी में से ही होना सर। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, फर्स्ट है उसके कुछ कंडीशन दी हुई, फर्स्ट डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, यानी कि जो वर्ड हो वो पी से स्टार्ट हो,
सेकंड है डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर, डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। फर्स्ट वाले में पी सेकंड लिख लिया भाई, थर्ड डू द वोवल नेवर ऑक्यूर टूगेदर। फोर्थ है डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड हाँ फोर्थ डू द वर्ड बिगिन विद कैपिटल आई एंड एंड विद पी, एक तो एंड एंड ही है और बाद वाला एंड है ई एंड डी, बिगिन विद आई एंड ई एंड डी, फिर एंड है ई एंड डी एंड पी, वो तो कैसा भी लिख लो उस एंड का मतलब और ही है, मतलब ये शुरू आई से हो और खत्म पी पर हो, एंड बोला तो तुम्हें एक बार तो एंड डी और फिर ई एंड डी एंड एंड पी। चलो पढ़ना शुरू करो, देखो कोशिश करके फर्स्ट करो। क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या ऑप्शन में क्या करना है, ऑप्शन में क्या करना, पहला ऑप्शन लिख क्या, पहला पी से स्टार्ट, पी से स्टार्ट करके कितने लेटर बनेंगे इसके, स्टार्ट ही तो करना है, बुरा कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा होता हम तो आधे बुरा कर लेते पहले ही।
हाँ भाई कहाँ तक पहुँचे? कुछ फैक्ट्री ऑयल आया? क्वेश्चन अच्छा लगा है ना? आसान ही है ना? क्या क्यों नहीं फिर आसान? हाँ क्या वर्ड क्या है? इंडिपेंडेंस, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई, ऐसा तो इंडिपेंडेंस डे आ रहा, रिपब्लिक डे आ रहा, कौन सा डे आ रहा? रिपब्लिक नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है? संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। और अंगीकार कब किया गया था? और बनना प्रारंभ कब हुआ था? 2 साल 11 महीने जोड़ गए तो 2 साल। मैथमेटिक्स का घटा लें, मैंने आपको उस फॉर्म में बताया था एडमिट में 1946 में। अगर आप प्रस्तावना पढ़ लो ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी कंपनिस्टिक्स ना लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तथा धर्म विश्वास उपासना और दो चीज और की स्वतंत्रता तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा को दिलाने के लिए मैं आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मीति मार्क्सिस संवत करके दिया हूँ ध्यान मिला। तो आज हम संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं। प्रेमबल शुड बी लर्न, प्रस्तावना हमारे याद होनी चाहिए इंग्लिश वाले को, इंग्लिश वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत चीज़ें इसमें छिपी हुई हैं, जन इतनी होनी चाहिए। चलिए कम ऑन इंडिपेंडेंस। अच्छा इंडिपेंडेंस पे कुछ झंडे का भी कुछ लफड़ा होता है, झंडा कहाँ फहराया जाएगा? यू नो जो झंडा फहराया जाता है इंडिपेंडेंस पे लाल किले पे और रिपब्लिक डे पे संसद भवन पे फहराया जाता है। ठीक, चलिए देखिए इंडिपेंडेंस सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर अगर हम देखें इसमें कितने हैं? 12। ये तो बात सही, अगर इसमें लेटर्स का रिपीटेशन ना हो तो टोटल परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे बताइए? ये तो चीज समझ में आ गई, लेकिन यहाँ कुछ चीज रिपीट है। रिपीट में देखते हैं सबसे पहले आई कितना है, आई तो एक छोड़ दो, एन कितने हैं? 1 3। इसके बाद ई कितने हैं? 4। और क्या है? डी 2 है, डीज तो हैं, और भी कुछ है? ये रिपीट, इन्होंने दिमाग खराब कर रखा है। ठीक चलो जी इनका भी देखते हैं। अगर यहीं पे मैं डायरेक्ट आ जाऊँ, अगर वो इनसे पूछे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, मैंने कहा एक ऑल लेटर आर डिफरेंट, अगर सभी लेटर डिफरेंट होते तो परम्यूटेशन कितने आते हैं? 12 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें कुछ रिपीट हैं तो टोटल जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने आ जाते हैं? 12 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 आंसर करके इसका 83 हो जाता, एंड हो जाता। लेकिन यूएस ने कहीं नहीं पूछा तो नहीं हो सर भाई, हमने तो एक जनरल परम्यूटेशन निकाला, सारे डिफरेंट होते 12 के 12 तो 12 फैक्टोरियल हो जाते, लेकिन इसमें रिपीट है तो अपॉन वाला हो गया। अब पूछते हैं पहली बात में क्या कह रहा है,
वर्ड कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? पी होगा एक पोजीशन पर, आगे पोजीशन कितनी बची? 11 पोजीशन हमारी बची। ये भाई साहब तो पकड़ कर बैठ गए, कौन हो ये नहीं छोड़ दे। कितनी पोजीशन बची? लेटर कितने बच रहे और भाई? पी तो यहाँ आ गया, 11 ही बच रहे। अब इन 11 को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? लेकिन इनमें कुछ रिपीटेड हैं। रिपीटेड कौन से हैं? यही है ना सारे। तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, यानी कि 11 फैक्टोरियल अपॉन दिस फैक्टोरियल इज द आंसर। मैं तो इतना खतरनाक है, अगर हम फालतू में एक जोड़ दें या एक हटा दें या दो से भाग कर दें या गुणा कर दें, सारा ही बदल जाए। और तुमने तो बहुत चीज़ छोड़ दी थी नीचे की, इसे लिख लो। चलो फिर अगला बता। सेकंड स्टेज नाउ। सेकंड में क्या कह रहा हूं? सारे बबल्स को इकट्ठा रखें। बबल्स हैं कौन से इसमें? कितनी है ये? चार। ये है ना। और कौन सा बबल्स है? आई भी एक ही है, एक आई। ठीक है, अरेंजमेंट बनाना। कितनी जगह थी हमारे पास? कितने हैं? अंकित सिंह उधर रूम में देख लो, तो जिस रूम में बैठे हैं ना आरिफ जी, उनसे पूछ लो। यही तो है ना, 12 प्लेसेस है हमारे पास। जब नंबर ऑफ परम्यूटेशन बना रहा है। और वोवल्स कितने हैं हमारे पास? 5 है भाई। 4 तो ई हैं, एक आई है, और वोवल्स जो हैं कितने हैं? 5 रहेंगे, इकट्ठे रहने हैं। कहीं भी फिक्स कर दो 5 को, यहाँ से कर दो, थोड़ा आसानी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये फिक्स हो गए ना, ये अब जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे। ठीक है, बाकी कितने बचे हैं? 7 बचे। इनमें जो लेटर आएंगे 7 में, क्या है 7 में? एन कितने हैं? 3। और डी कितने हैं? नोट बाद में कर लियो, पहले ध्यान यहां दे। चलते हैं आगे। ये देखिए, अब इसका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनाना।
सबसे पहले हम सारे को ले, सारा का सारा जो ये 12 था, ये एक जगह बाइंड होने की वजह से कितने लेटर की तरह ट्रीट करेगा ये? ये तो सिंगल लेटर की तरह करेगा, बाकी कितने हुए? 7, तो टोटल कितने हो गए? 8, फैक्टोरियल 8 आ गया। अब अपोन में क्या है? अभी हमने इसको नहीं कुछ भी कहा, ये अभी अकेला बैठा हुआ बैठा, अभी तो इसमें ही रिपीट हो रहे, पहले एन की रिपीट की वजह से फैक्टोरियल, दूसरे की रिपीटेशन की वजह से फैक्टोरियल 2, इतना काम ये तो प्लेस खत्म हुआ यहाँ पे। अब चलते हैं इस पर, मल्टीप्लाई होगी क्योंकि अरेंजमेंट इकट्ठा बनना है, एंड है, कितने हैं ये वोवल्स? अगर फाइव के फाइव सारे अलग अलग होते तो कितने अरेंजमेंट बनते थे आपस में? सेम कितने हैं इसमें? ये समझ लो यहाँ के भाई, भूल जाओ ये 7 होंगे, ये ट्रीट कर रहा 1, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तब ये 8 की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे हमारे पास 8 लेते हैं। फिजिक्स बढ़िया पढ़ाई जा रही, कौन से अल्ली बंद कर दी, देखो मैं कहाँ पर तो पढ़ नहीं रही, ये करने का क्या मन कर? इसके लिए इकट्ठे नहीं होंगे, टोटल कितने हैं? 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल वो हैं कौन से? फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन है। इसमें से अगर इन्हें कम कर देंगे जिसमें वोवल इकट्ठे हैं तो तीसरे का आंसर आ जाएगा, ठीक है? डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड पी, आई से स्टार्ट हुआ, आई से तो स्टार्ट कर रहे हैं और पी पे एंड कर रहे हैं, बीच में कितने प्लेसेस बचे इसके? 10 बचे।
आज भी सिंगल है या दो हैं? एट है और पी भी सिंगल है, ठीक है। डबल रिपीट वाला तो कोई लेटर आया नहीं, और टोटल लेटरों के कितने हो गए? 10 फैक्टोरियल, और रिपीट वाले तीनों हैं फिर, ये 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर ये ठीक है। कंडीशनल परम्यूटेशन, कंडीशनल परम्यूटेशन का मतलब जिसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी हो? कुछ ना कुछ उसमें कोई कंडीशन लगाई हुई है, वो ये मान लिया लेट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड टेकिंग आर एट ए टाइम, ठीक। तब नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशन होते हैं हमारे एम्पियर, इतना तो हम पढ़ते आ रहे, ठीक है। कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन ये है, अगर कोई कंडीशन ये लगा देता है कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट या एनी वन ऑब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी हैव टेकन, हैड टेकन, ठीक है। कंडीशन ये लगाए कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पहले ही हमने ले लिया हो तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बने। एन में से आर लिए तो बन गया एन पी आर, लेकिन हम कह रहे हैं कोई एक स्पेशल ऑब्जेक्ट पहले ही ले लिया हमने, उसका तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो तब नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनेंगे? एन जब हमने एक ले लिया तो एन माइनस वन नहीं होने का, एन में से भी तो कम होगा जब ये छांट लिया, या यहीं से आर में से ही गरीब को मारोगे बेचारा को, एन में से भी एक कम करो और आर में से भी एक कम कर दीजिए। लगता तो ऐसा ही है कि यही होना चाहिए, लेकिन यही कर दूंगा। आर इंटू होता है आर की मल्टीप्लीकेशन, ठीक। अब जैसे ही आर की मल्टीप्लीकेशन हुई दिमाग हिल गया कि ऐसा क्यों हो गया भाई, सोचने वाली बात है ना, ये आर की मल्टीप्लीकेशन हमने क्यों की? हमारे पास A1, A2, A3, डॉट AN ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये कितने हैं? एन डिफरेंट हैं, और हम इनमें से कितने ले रहे हैं? आर, एट ए टाइम की बात की हमने,
और इनमें से यदि कोई एक पहले ही ले लिया जाए, मान लिया ए वन ले लिया, ठीक है, टोटल लेने कितने आर। लो जी एक कॉम्बिनेशन तो बन गया ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट करके ए आर ए बन गया, नहीं करके ठीक। इस अरेंजमेंट के नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे, 5 मिनट पहले छोड़ दिया आज, 25 हुए थी। ये बताइए नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर हमने एन डिफरेंट में से आर ली और आर ऐसे ले लिए ए वन ए टू ए थ्री ए आर, इनके जो परम्यूटेशन इतने होंगे नहीं होंगे। हमने कहा था कि ए वन अगर पहले ले लिया जाए, ठीक है, ए वन हमने उसमें से पहले ले लिया, एक तो ये परम्यूटेशन हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ए टू ए वन ए थ्री डॉट डॉट ए, यानी कि यहाँ ए वन पहली पोजीशन पे था, यहाँ ए वन दूसरी पोजीशन पे, तो इसकी भी कितने होंगे एन माइनस वन की आर माइनस वन होगी। जब ए वन थ्री पोजीशन पे होगा तब भी यही पोजीशन भी चेंज हो रही ना, अगर हमने कोई एक चीज पहले ले ली, ठीक है, आर प्लेसेस हमारे पास, हमारा उसका मन करा पहला तो पहले स्थान पर रख रहे उसकी भी इतनी होगी, दूसरे स्थान पर रख रहे उसकी भी इतनी होगी, यहाँ भी अगर कंफ्यूजन है तो चलिए उसका इसे दम करते हैं। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, आर एट ए टाइम लेते हैं हम, ठीक है, और एनी वन हमने ऑब्जेक्ट पहले ले लिया ऑलरेडी टेक, ठीक है, हमने कहा था एन में से आर लेकर बने कर्मचों की संख्या वही होती है जो आर स्थानों को एन से भर देते हैं, ठीक है। अब स्थान हमारे पास आर ही मान लो आप, एक दो तीन चार डॉट डॉट करके यहाँ आर प्लेसेस, ये आर प्लेसेस है, ठीक है, एक स्थान हमने फिक्स कर दिया, बाकी प्लेसेस पे एन ऑब्जेक्ट हैं, प्लेसेस कितने बच गए और ऑब्जेक्ट कितने बच रहे, एन माइनस वन। तो इस पर जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे एन माइनस वन पी आर माइनस वन होगा नहीं होगा, जब हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था उसके लिए परम्यूटेशन ये हो गया जब हमने पहले ही एक ले लिया, लेकिन हमने क्या किया उसकी पोजीशन हमने यहाँ दिखा दी कि वो कहाँ पे है, यहाँ पे एक परम्यूटेशन हुआ ये वाला, जब मैं इसको यहाँ रख दूंगा तो क्या परम्यूटेशन बदलने जाएगा, यहीं पे अगर मैं इसको मान लूँ ए वन ये ए टू ए थ्री ए फोर डैश 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 करके ये ए आर हो, जब ए वन पहली पोजीशन पे तब परम्यूटेशन की संख्या ये, जब ए टू यहाँ आएगा तब परम्यूटेशन की संख्या ये, जब यहाँ आ जाएगा तब भी ये, तो इस तरह कितने ऐसे ऐसे आ जाएंगे, कितनी बार आएगा ये, आर बार नहीं आ जाएगा। यस सर, अगर सारों को जोड़ लेंगे तो अलग नहीं बन जाएंगे सारे के सारे, यानी कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट को हम पहले ही ले लेते हैं हम सोचते हैं कि सर नंबर ऑफ परम्यूटेशन एन माइनस वन पी आर माइनस वन है, लेकिन वो उसी अप्रोच तक ठीक है जब हम सिर्फ एक ही प्लेस पर रखते हैं इसको, लेकिन ये तो सच है कि अरेंजमेंट में जो प्लेस की अरेंजमेंट है वो प्लेस की इंपॉर्टेंस है, वो पहली स्थान पर है दूसरे पर या तीसरे पर, पहले पर रखे तब भी यही दूसरे पर यही, तो इस तरह आर प्लेसेस पर अलग अलग रखेंगे तो सारे अरेंजमेंट अलग होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब यहाँ ए वन है ये ए टू ए थ्री मैंने एक सिंपल आर के लिए बना दिया, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव तक ले लो मान लिया, चलो ए सिक्स ए आर भी आ जाए, ठीक है, ए वन पहली पोजीशन पे यहाँ मैं ऐसा कर दूँ ए थ्री ए टू, चलो यहाँ ए आर आ गया, ये भी कर सकता हूँ यहाँ ए फोर आ जाए ए फाइव आ जाए ए आर आ जाए या ए टू आया इसके बाद ए फोर आया, तो इस तरह के A1 के पहली पोजीशन पर रहते हुए भी
एन माइनस वन पी आर माइनस वन परमुटेशन बन जाते हैं इतने अरेंजमेंट। इसी तरह से इतने ही अरेंजमेंट जब इसको ए टू वाली पोजीशन पर रखेंगे तब बनेंगे, इतने ही अरेंजमेंट ए आर तक बनते चले जाएंगे। और इनकी संख्या कितनी आई, आर आठ रम है ना, तो आठ आगे ठीक। तो इनको यानी कि आर बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे समझे। तो इसलिए जब भी कोई स्पेशल आइटम पहले ही ले लिया जाए, ऑलरेडी हैव टेकन, देन द नंबर ऑफ परमुटेशन विल बी आर डॉट एन माइनस वन पी आर माइनस वन ठीक है। और यहाँ एक कंडीशन और भी समझ लो आप, कि जो टोटल परमुटेशन होता है हमारा एन पी आर वो इक्वल टू होता है n माइनस वन पी आर प्लस आर डॉट एन माइनस वन पी आर माइनस वन। ये फार्मूला है, क्या है ये सूत्र फार्मूला, क्या फार्मूला है एन पी आर, एन डिफरेंट वस्तुओं में से एक बार में आर वस्तु लेकर बने क्रमचों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन टेकिंग। समझ लो पहले टोटल नंबर, तुम्हारा वाली बुक में तो है भी नहीं इसमें, ये आर्टिकल वाली पढ़ोगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन टेकिंग आर एट ए टाइम, ये है दिस इज व्हाट, ये क्या है, हमने ये तो पढ़ लिया, आपने क्या है ये बताइए क्या है ये, ठीक है, जबकि कोई एक स्पेशल ऑब्जेक्ट पहले ही हमने ले लिया हो। ये क्या है, जब हमने एक स्पेशल ऑब्जेक्ट कभी लिया ही नहीं, एन में से पहले ही कम कर दिया ना, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट हमने कभी, तो हमने एन से बाहर कर दिया, ये कभी लिया ही नहीं और एक पहले ही ले लिया, दोनों का सम टोटल क्रमचों की संख्या होगी। आगे कॉम्बिनेशन भी इसी तरह से पढ़ेंगे हम, थोड़े से हैं इसमें भी फार्मूले हैं। इसको अगर मैथमेटिकली आप प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं, फैक्टोरियल लगा लो उस पर, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस आर डॉट एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन प्लस वन फैक्टोरियल। इसको सॉल्यूशन करना, इसके सॉल्यूशन करने से यही आ जाएगा एन पी आर। लेकिन लैंग्वेज में समझो, कोई चीज कभी भी ना ली जाए और एक वस्तु हमेशा ले ली जाए, उन दोनों के जो नंबर ऑफ परमुटेशन है वो एक जनरल परमुटेशन के बराबर होता है। अब परमुटेशन में आपका बचता है एक टॉपिक और, वो है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, यहाँ पे जो जितनी भी अब तक जितनी भी चीजें पढ़ाई हमने, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ले लिए, डिस्टिंक्ट अलाइक ऑब्जेक्ट ले लिए, यानी कि अलग अलग और कुछ सामान भी ले लिया ठीक, लेकिन सारे के सारे कैसे थे अरेंजमेंट, लीनियर थे। लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट था, इसमें था एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अब अरेंजमेंट होगा सर्किल पर ठीक। अगर इस पर एन ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके नंबर ऑफ परमुटेशन की संख्या हो जाएगी एन माइनस वन फैक्टोरियल, स्ट्रेट लाइन में फैक्टोरियल एन करते थे, सर्कुलर में क्या करेंगे, सर्कुलर में एक कम कर देंगे। इस पे जो भी इसकी डिस्कशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल करेंगे, होमवर्क में यही है आपका, होमवर्क में आपको सर्कुलर परमुटेशन की रीडिंग करके आनी है राइट। ये सर्कुलर परमुटेशन हाँ है, इलेवेंथ वाले एनसीईआरटी में।
उठा लो, बंद करो।